एक और सवाल पूछा जाता है निखिल, कि क्या हम इटली यानी के अंदर अगर हमें रीजनल स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? सबसे ज्यादा एक मासूमाना सवाल पूछा जाता है, क्योंकि 100% बच्चों से पूछो क्यों जाना चाहते हो इटली, कहते हैं भाई रीजनल स्कॉलरशिप मिलती है, फ्री एजुकेशन है। तो जरा ये बताएं, अगर अगर फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड स्टूडेंट को एसो मेसेना नहीं मिली तो क्या वो सर्वाइव कर लेगा वहां पर? देखिए भाईजान, मैं ये बताता हूँ आपको कि अगर आप इटली के अंदर मेसिना या फिर एरसू के रीजन, डीएससीयू, लाजियो, किसी रीजन में आप आते हो, अगर आपकी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं लगती है, देखो भाई पहले तो दो रीजन पे नहीं लगती है। पहला, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ मिस्टेक्स हुआ। दूसरा, अगर आप लेट आते हो, क्योंकि हर किसी का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। अगर आप उस सही है, टाइम पीरियड के बीच में नहीं आओगे तो आप अपना फर्स्ट ईयर का स्कॉलरशिप खो दोगे। ओके, तो अगर आप पहले आ जाते हो तो आपको मिल जाती है स्कॉलरशिप। अब अगर आपकी ईजे वैल्यू कम है तो आपको, मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा हूँ जो न्यू आते हैं, तो उनकी जो फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप मिलती है वो उनके ईजे वैल्यू पे मिलती है। तो अगर उनकी ईजे वैल्यू कम है तो उनकी स्कॉलरशिप डॉम्स भी लग जाएगी और उनकी स्कॉलरशिप फुली मिलेगी। अगर उनकी ईजे वैल्यू थोड़ी सी डॉम्स के क्राइटेरिया से ज्यादा है तो उनको पैसे मिलेंगे डॉम्स के लिए और स्कॉलरशिप भी मिलेगी। इन द सेंस मैं बताता हूँ आपको, एआरसीयू मेसिना का आपका रूल, जैसे मैं अभी यूनिवर्सिटी हॉस्टल में हूँ, मुझे डॉम्स मिल गई है, मैं ऑलमोस्ट 2 मंथ से हूँ हॉस्टल में, तो मुझे कुछ पे नहीं करना होता, मुझे फ्री का रहने को मिल गया है, खाना फ्री, हर चीज फ्री है। तो मेरी जो नेक्स्ट ईयर की जो स्कॉलरशिप है वो मुझे मिलेगी मेरी क्रेडिट्स पे, जो मैं क्रेडिट्स लाऊंगा फर्स्ट 2 सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में, एग्जैक्टली बिल्कुल। तो मेरे को उसमें मिलेगी मेरी। और उसमें यार क्रेडिट लाना होता है आपको, मैं बता रहा हूँ, कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे कोर्स में मुझे अपना डॉम सिक्योर करने के लिए मुझे एटलीस्ट 14 क्रेडिट्स लाना पड़ेगा आउट ऑफ 16, तो मुझे 40 क्रेडिट्स लाने हैं। ओके, और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं लगता है बाई चांस, ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। अगर मैं मेसिना की बात करूँ भाई, तो मेसिना में जो रूम मिलता है, एक अगर आप खुद के पैसे से रूम आप मतलब लेते हो, रेंट करते हो, तो यहाँ पे आपको वो 150 से लेके 120 200 यूरोस कॉस्ट करेगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आप क्या क्या उसमें यूटिलिटीज लेते हो। दूसरा चीज, खाने पे आता हूँ मैं, अगर आप अकेले रहते हो तो आपको 70 to 100 यूरोस लगेगा पर मंथ। अगर आप एक मतलब है कि समझ रहे हो आप बजट में खाते हो, देखो खाने को तो हर चीज इधर लोग आते हैं मतलब ऐश के तरह जीते जिंदगी, अपना खाते पीते सब एंजॉय करते हैं, पार्टी शार्टी बहुत लेकिन करते अगर हैं। आपके पास मान लो, हाँ, पार्टी सार्टी क्लब्स इधर बहुत जाते हैं, तो अगर आपकी एक मतलब मान लो कि आपको स्कॉलरशिप नहीं लेगी, आपने 2 सिरों का एक रूम ले लिया, आप अगर थोड़ा एक प्रॉपर वे में चलोगे, स्ट्रक्चर्ड वे में, तो आप 70 से 80 यूरो में मंथ का खाना निकाल लोगे और 30 से 40 अदर बिल्स। हाँ बिल्कुल, तो मैं एक सम करके बताऊं तो आपको 300, 350 यूरो, हार्डली 350 यूरो में आप मेसिना में निकाल सकते हो एक मंथ, अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगती है तो। बहुत तो सस्ता है ये बट तो। मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा यार, बहुत सस्ता है, मैं बहुत सबको ये सजेस्ट करूंगा कि यार आप कोशिश करो कि आप इनके डेडलाइन के पहले आ जाओ, एटलीस्ट आपको डॉम्स नहीं मिल रहा है, 3 से स्कॉलरशिप ले लो। स्कॉलरशिप में आपको पैसे देंगे, आपको रेंटल कॉन्ट्रैक्ट देना होगा, और रेंटल कॉन्ट्रैक्ट जैसे सबमिट सही है, करोगे आप ईआरसी मेसिना के पोर्टल पे, आपको पैसे मिलेगा आपको रेंट का भी, तो आप ऐसा कर सकते हो। अच्छा मल्टीपल टाइम्स ना आपने अभी बोला कि सेशन के राइट टाइम के ऊपर, मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा है उसका एक्सेप्टेंस आता है मई के अंदर या फिर अप्रैल में, और वो प्री इनरोलमेंट कर देता है, वीजा फाइल सबमिट कर देता है, वो आ जाता है तकरीबन बिगिनिंग ऑफ सितंबर, तो कौन सा राइट टाइम होता है जब आप एरसो मेसेना पर अप्लाई कर रहे होते हो और ये सारी बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं सारे? देखिए भाई, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको डॉम्स लेना है तो जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं 22 सितंबर को मेसिना आया था, सही तो है। मेसिना में आया और मेरे पास, मुझे फर्स्ट फर्स्ट लिस्ट में मुझे चाहिए था डॉम्स, मेरे को ये था कि मेरे को फर्स्ट लिस्ट में लेना है। तो इधर आने के बाद आपको मतलब जो स्टूडेंट्स आएंगे, मैं उनको सजेस्ट करूंगा यार आप यहाँ पे पहले तो मेसिना का एक मुझे थोड़ा स्ट्रक्चर समझ नहीं आता कि, और इन कंपैरिजन ऑफ अदर सिटीज, यहाँ पे अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कराने जाते हो टाइम लगता है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और खास करके इंटरनेशनल अच्छा स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट लंबी मिलती है। बट मैं यहाँ पे आया था, मुझे एजेंसी एंट्राते जाना था, जहां से मुझे यहाँ पे फिस्कल कोड बनाना था इटालियन, बिल्कुल, तो मैं वहां गया, तो वहां पे देखो मैं बताता हूँ, सबको बोलता हूँ अपॉइंटमेंट ना ले आप,
आप आराम से ऑफिस के बाहर जाएं, 4-5 घंटा वेट करें, लास्ट में वो गार्ड आपको जाने देगा। मैंने भी सेम किया था, मुझे मालूम था, मुझे किसी सीनियर ने बोला जो पहले से रहते थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि यार वहां जाओ, तुम खड़े रहो, खड़े रहोगे लास्ट में वो जाने देगा। तो मुझे मुझे चाहिए था डॉम्स फर्स्ट लिस्ट में, तो मैं वहां पे जाके खड़ा रहा 4-5 घंटे ऑफिस के बाहर, फिर उसने मुझे जाने दिया। और मुझे उसी दिन मेरा मेरा ईजे बन गया, मेरा फिजिकल कोड बन गया। तो मैं एक बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशन है स्कॉलरशिप को, मैं रेडी करवा लिया था अक्टूबर के पहले। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप सितंबर में आते हो, तो आने के बाद ही आप क्या करो, 4-5 दिन में अपना फिजिकल कोड काफ का सारा डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर लो पोस्ट इटालियाने से। आप अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो लास्ट सीट के लिए वो भी कंप्लीट कर लो, और उसके बाद आप मेसिना जो एरसू का पोर्टल है उस पर आप अपलोड कर दो अपना ईजे, अपना परमिशन दे सुजर्नो का रिसिप्ट, और उसके बाद आप अपना फिजिकल कोड जैसे ही आप अपलोड करोगे तो फर्स्ट लिस्ट में आपकी नाम आ जाएगी। और फर्स्ट लिस्ट आपको आती है अक्टूबर के फर्स्ट और सेकेंड वीक में, लिस्ट में नाम आ जाएगी, आप आके रह सकते हो अक्टूबर मिड से आके हॉस्टल में। अच्छा, मतलब तो आप ये कर सकते हो। मिड ऑफ अक्टूबर में आपका चांसेस है कि आपको मिल जाएगी यहाँ पर स्कॉलरशिप। ये अकोमोडेशन ही सबसे बड़ी चीज़ है हाँ ना मिड वैसे। ऑफ अक्टूबर में इसको, हाँ देखो भाई, स्कॉलरशिप तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि स्कॉलरशिप मिल जाएगी बट अकोमोडेशन मिलेगा मिड ऑफ अक्टूबर में। जो पैसे आते हाँ हैं वो हाँ पैसे अब आने वाले हैं मुझे, हाँ दिसंबर के जो अंदर। मुझे मतलब कि वो आने वाले हैं दिसंबर लास्ट में मुझे पैसे आने वाले हैं, जो स्कॉलरशिप आएगी मेरी। तो डॉम्स पहले मिलते हैं, स्कॉलरशिप का जो पैसे वो बाद में मिलता है। अच्छा, यही बात मैं हमेशा मुझे बहुत सारे मीडियम से ना क्यूरीज आती हैं कि भाई वाई मैं इटली इस वजह से सिलेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि फुली फंडेड स्कॉलरशिप मुझे चाहिए। देखें, पहले तो ये है कि स्कॉलरशिप्स के बारे में ना एक बहुत बड़ी गलत बात ये बताई जाती है कि आप जाते के साथ ही ना आपका मीटर चलना शुरू हो जाएगा। मतलब जितने भी कंसल्टेंट हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलूंगा कि वो लोग कहते हैं भाई फ्री स्कॉलरशिप है, फ्री स्कॉलरशिप है, 100% फ्री, ट्यूशन फी वेवियर, फूड एक्सपेंस वगैरह सब कुछ। ऐसा सच नहीं है, ये आपके सामने मौजूद है, एक आपके सामने एक एग्जाम्पल मौजूद है जिन्होंने सारा प्रोसेस खुद अपना किया। एकदम आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। हाँ, आपको स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना पड़ता है जब पोर्टल ओपन हो जाता है, जैसे कि जून जुलाई के अंदर पोर्टल यूजुअली ओपन हो जाते हैं। कुछ पाकिस्तान से, इंडिया से, जो भी आपकी होम कंट्री है वहां से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, जैसे कि फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, टैक्स रिटर्न्स वगैरह, वो तो आपको वहां से करने होंगे। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद, ईच एंड एवरीथिंग प्रिपेयर करने के बाद, दिसंबर के अंदर यानी कि अराइवल होने के 3 महीने के बाद आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसे नहीं मिलती कि फॉरन, जैसे कि कंसल्टेंट मंजन भेजते हैं कि भाई ये आपको मिलने वाली है, ये अभी आपको मिल जाएगी, हम आपको 100% करा कर देंगे, अगर मिल जाएगा तो 1 लाख रुपए चार्ज करेंगे। ये ऐसे कंसल्टेंट हैं जो कि आपके सामने अभी मौजूद आ रही है कि ये लोग ऐसे ऐसे चार्ज करते हैं। और ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ, जो आपके सामने लिखी आ रही है, ये अभी के रेट नहीं है, ये 2020 का रेट है। तो आप अंदाजे लगाएं 2020 में कितना महंगा था, और अब यूरो का रेट पाकिस्तान में जिस तरीके से बढ़ रहा है तो उसके ऊपर कितने ज्यादा हो गया होगा। तो लोग खेलते हैं ऐसे, और बच्चे आ जाते हैं, हम समझाते हैं, लेकिन बच्चे फिर यही बोलते हैं कि भाई आप देखो चाहते ही नहीं हो कि हम लोग बाहर निकलें, हम ये ना करें, हम वो ना करें, क्योंकि सच जो है वो ही इंसान बता सकता है, जैसे कि निथिल मौजूद है वहां पर। तो तो देखिए मैं इस पे एक और चीज बताना चाहता हूँ। आपने सही बोला, इंडिया पाकिस्तान में कंसल्टेंट, इवन हर कंसल्टेंसी यही बोलती है कि आप जैसे जाओगे आपको इतने सारे सर्विसेज वहाँ मिलेंगे, आप लैंड करो तो आपको स्कॉलरशिप, आपको इवन मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान से 2-3 स्टूडेंट्स आए थे और इंडिया से, तो नहीं आए इधर 1-2 दिन पहले, तो मेरे को मिले थे। तो मेरे से पहला सवाल यही किए कि भाई मैं होटल में रुक रहा हूँ, क्या आप बताओगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना मुझे कब हॉस्टल देगी, मैं अभी जाके उनसे मांग लूं। तो मुझे हंसी आ गया, यार ऐसे थोड़े कुछ मिल जाता है हॉस्टल। तो मेरे को बता रहे थे कि उनकी कंसल्टेंसी ने बोला है कि आप जैसे जाओगे, आप यहाँ पे वेलकम पॉइंट ऑफिस है वहां पे जाओ, उनको बोलो आपको हॉस्टल दे देंगे। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, इनके पास रखा हुआ हॉस्टल है नहीं, जो हॉस्टल है वो एयरसू मेसिना का है, जो अप्लाई करना पड़ता है, प्रोसेस होता है, लिस्ट आती है, लिस्ट में आपकी नाम आती है, फिर आपको एक डेट देते हैं जिस डेट से आप आ सकते हो, और उससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट बनवाने को बोलेंगे इटली में, वो बनवाना पड़ता है, तो सारा प्रोसेस होता है। तो ये ना सोचे कि आपको जो कंसल्टेंसी वहाँ बोल रही है कि आप जाते जाते आपको यूनिवर्सिटी के साइड से आपको हॉस्टल डॉर्म्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, और सियोरिटी भी नहीं है कि मिलेगा, क्योंकि यार यहाँ पे लिमिटेड सीट्स होती हैं, आपकी जितनी आपकी ईज वैल्यू कम होगी उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। और अगर मैं सेकेंड ईयर का बात करूँ,
कि आपको सेकेंड ईयर में कैसे डॉम्स लगेगा। मान लो कि आपको फर्स्ट ईयर में नहीं लगा है, तो आप कोशिश करो आप फर्स्ट ईयर इतने अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे क्रेडिट्स लाओ कि आपकी जो सेकेंड ईयर की डॉम्स है वो सिक्योर हो जाए। अब बिल्कुल जैसे सही मैं कहा। डॉम्स ही में हूँ, मेरे को सबसे बड़ा डर क्या लगा है कि मेरे को डर क्या लगा है कि मेरे को फ्री का मिला भाई रहने को, तो मेरे को ये खोना नहीं है। मुझे कोई 3 साल ग्रेवी ताली, मेरी जो हॉस्टल है वो ग्रेवी ताली है मेसिना की, तो मुझे ग्रेवी ताली में सही ही है। निकालनी है 3 साल। इसके लिए मुझे क्रेडिट्स लाने हैं, क्योंकि यार बहुत अच्छा है आपको मैं बता रहा हूँ, इतने फैसिलिटीज मिलते हैं। मैं अभी बालकनी में बैठा हूँ यार, बालकनी में सोफे देते हैं, हर चीज देते हैं, आप इंजॉय करो पढ़ो। मतलब स्टूडेंट को एक अच्छा लाइफ देते हैं हॉस्टल में, कि स्टूडेंट पढ़े, पढ़ने आया उसका मेन मोटिव है, हर चीज फैसिलिटी है। आपको आपको मैं बताता हूँ यारसू मेसिना का, मतलब मुझे एक चीज अच्छा लगा, बाकी रीजन में नहीं है, मैंने बहुत जगह बात किया है, मे भी कहीं हो मुझसे कोई रीजन मिस हो गई हो, कि यहाँ पे आपको जिम का एक्सेस इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का जिम का एक्सेस आपको 5 यूरो का है पर ईयर का, सोच लो क्या, 5 यूरो अरे में आप एक साल का नहीं जिम भाई, करते हो। उतनी उनकी मतलब उनकी जो जिम, हाँ उनकी जिम एक्सेस 5 यूरो के पर ईयर की। अब मैं जिम जाता हूँ तो क्या मुझे भी बात है पांच भाई। यूरो पे किया, मुझे 1 ईयर की एक्सेस मिल गया है। तो भाई मेसिना यारसू अच्छी है यार कुछ चीजों में, यहाँ पे आपको बहुत सारा फैसिलिटी देती है। अब मैं आपको बताता हूँ हॉस्टल में मेरी क्या है कि यार हॉस्टल में एक मतलब कि एक अलग वाइब होता है यार। आप रहते हो ना आप इटालियन हॉस्टल में, क्योंकि आपको डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलते हो, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, और एट द एंड ये बहुत ज्यादा काउंट होता है, क्योंकि मैं खुद रोज नया नया चीज सीखता हूँ, एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, नए लोगों से मिलता हूँ हॉस्टल में, डिफरेंट कंट्री से उनसे बातें करता हूँ, उनके कंट्री के बारे में जानता हूँ, और डे टू डे मेरा खुद इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है एज ए ह्यूमन बींग। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है यार अगर आप हॉस्टल में भी रहते हो तो। लोग सोचता है कि यार हॉस्टल सिर्फ लेते हैं इसलिए मिलना चाहिए ताकि मेरे को पैसे ना पे करना पड़े एक्स्ट्रा, वो तो पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत अच्छा बात है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए कि आप हॉस्टल में रहोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो एक आपको एक बहुत ज्यादा एक स्किल भी देता है, एक तरह का डिफरेंट स्किल डिफरेंट कल्चर के बारे में। तो सही बात है, यार सही बात है। हॉस्टल्स बेस्ट है इटली के। मल्टीकल्चरल लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह से आए हुए होते हैं, नो हाउ होती है, और ये है कि आपको उनकी जबान, उनको आपकी जबान सीखने में मिलती है। और ये है कि आप अगर हॉस्टल में रहते हो, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यू आर एन एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री। अगर आप जिस तरीके से उनसे पेश आओगे, यस अच्छी तरीके से पेश आओगे, सो एग्जैक्टली यू आर प्रोमोटिंग पॉजिटिविटी ऑफ योर कंट्री। और ये है कि जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए होते हैं दिमाग में, तो वो खत्म हो जाते हैं ऑफकोर्स।